हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, बेसिक हमने फिनिश कर दिया है। जो प्रैक्टिस क्लासेस में बेसिक चला रहा था मैं, वो फिनिश हो गया है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक के बारे में, बेसिक इंग्लिश के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, और आपने उसकी तैयारी भी कर ली होगी और आपने इंग्लिश बोलना शुरू भी कर दिया होगा। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक ऐसी क्लास है जहाँ पर रोज़ एक स्ट्रक्चर के साथ हज़ारों सेंटेंस बनाने के तरीके बताए जाते हैं। इसलिए आपके लिए इंग्लिश सीखने के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया है। ओके फ्रेंड्स, इस वे से मैंने सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों को इंग्लिश सिखाया है और काफ़ी लोग इंग्लिश अच्छी तरह से बोलना सीख चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे टेंस के बारे में। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं पिछली क्लास में दिए गए सेंटेंसेस के इंग्लिश अनुवाद। तो ये रहे, अगर आपने बनाया है तो मैच करके, वहाँ पर अगर गलतियाँ हों कहीं पर भी तो उसे सुधार लीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो टेंस क्या है, व्हाट इज़ द टेंस, और टेंस के कितने प्रकार होते हैं, और टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। ओके, यही हम आज सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, टेंस का मीन्स होता है समय या काल। टेंस का अर्थ होता है समय या काल। ओके फ्रेंड्स, मेनली देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके फ्रेंड्स, हमने बेसिक में भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों पढ़ा है। अब ये स्पेशली टेंस है, तो टेंस में तीन प्रकार के होते हैं और तीनों के चार चार भाग होते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रेजेंट के भी चार भाग और पास्ट के भी चार भाग और फ्यूचर के भी चार भाग। तो ये है, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, या उसको हम इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह से हम पास्ट में जाएंगे तो पास्ट के भी चार भाग होंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर के भी चार भाग होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो ये तीनों के चार चार भाग हुए और टोटल हो गए 12 टेंस। हम पहला टेंस से शुरू करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके फ्रेंड, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, वर्तमान अनिश्चित काल, अनिश्चित वर्तमान काल को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, जिसमें सेंटेंस से ये बोध होता है कि काम होता है, किसी के द्वारा काम होता है या कोई काम करता है, कुछ भी काम करने की होने की बात बताई जाती है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, वह चाय पीता है, मीन्स हैबिचुअली कुछ काम किया जाता हो तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बट ये अनिश्चित वर्तमान काल क्यों कहा गया है, क्योंकि ये निश्चित नहीं होता है। जैसे वह स्कूल जाता है, पहले जाता था कि नहीं पता, और कल भी जाएगा कि नहीं जाएगा ये नहीं पता, बट स्कूल जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अनिश्चित काल। ओके, अनिश्चित वर्तमान काल। तो एक सरल तरीके से मैं आपको पहचानने के तरीका बता रहा हूँ कि अगर सेंटेंस के अंत में क्रिया हो और क्रिया के अंत में ता ते ती हो तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और लास्ट में है, हूँ, हो भी रहना चाहिए। यानी कि जब सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ ऐसा रहे तो समझना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बट ता किसी वर्ब के साथ होना चाहिए, किसी और चीज़ के साथ नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं सेंटेंसेस बनाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका मेकिंग फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ,
मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वी वन, सब्जेक्ट हो गया मैं तो आई हो गया, फिर इसमें वी वन यानी वर्ब का पहला फॉर्म, तो इसमें खेलना हो गया, जो भी लास्ट में जिसके साथ ताते थे आता है ना वही वर्ब होता है, ये हो गया वर्ब। ओके फ्रेंड्स, और ये मैं हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा और वर्ब सबसे लास्ट में आता है हूँ हो से जो पहले होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया ये। ओके फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया और खेलना हो गया वर्ब, तो बनाएंगे आई प्ले क्रिकेट। वे लोग जाते हैं, तो वे लोग जाते हैं, इसमें वे लोग हो गया सब्जेक्ट और जाते हैं जिसमें ताते थी रहता है वो वर्ब होता है, तो जाते हो गया वर्ब, तो वर्ब का पहला फॉर्म, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर होता है वे लोग स्कूल जाते हैं तो दे गो टू स्कूल, स्कूल हो जाता है ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया, इस तरह से स्ट्रक्चर है। अभी इसमें ये जानना ज़रूरी है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में अगर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट मीन्स ये जो पहले आ रहा है, वे लोग, मैं, हम, तुम, वह, कोई भी नाम अकेला, तो अगर वो थर्ड पर्सन में हो और सिंगुलर नंबर में हो, या सरल भाषा में आपको समझाता हूँ कि आई और यू को छोड़ के, आई और यू को छोड़ के अगर सब्जेक्ट सिंगल है, सिंगुलर नंबर है, तो उसके क्रिया के साथ एस या एस लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना कि आई और यू को छोड़ के अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी क्रिया के साथ एस या एस लगाते हैं। जैसे वह खाता है तो ही इट्स, राधा किताब पढ़ती है तो हो जाएगा राधा रीड्स बुक। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया, इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि किसके साथ एस लगता है और यस लगता है। फिर से बोल रहा हूँ कि आई और यू को छोड़ के अगर सब्जेक्ट, यहाँ पे जैसा सब्जेक्ट हो गया राधा और इस सेंटेंस में वह, अगर ये सिंगुलर है तो इसकी क्रिया में यानी वर्ब के साथ एस लगेगा और एस भी लगता है जब लास्ट में वोवेल हो, वो हो, ई हो, तो ओके फ्रेंड्स, तो उसमें एस लगाते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम सीखेंगे इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड। नेगेटिव, मैंने जैसा कि बेसिक में बताया था आपको, बेसिक में बताया था कि बेसिक में अगर जहाँ पर भी डू और डज लगाते हैं तो किसके साथ डू लगाते हैं और किसके साथ डज लगाते हैं, वो मैंने आपको समझाया था बेसिक में। ओके फ्रेंड्स, फिर भी फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ बात को कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जिसके साथ अभी मैंने बताया कि एस और एस लगाते हैं, वैसे सब्जेक्ट वाले सेंटेंस में डज लगेगा और बाकी सब में डू लगेगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे वह नहीं जाता है तो ही क्या हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया वह, तो ही डज हो जाएगा और नॉट लगेगा, डज नॉट गो, ही डज नॉट गो, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि ही डजंट गो। ओके फ्रेंड्स, मैं चाय नहीं पीता हूँ तो मैं आई हो गया, अब यहाँ पे सिंगुलर है बट मैंने बताया था कि आई और यू को छोड़ के, आई और यू को छोड़ के अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो वहाँ पर डज लगेगा, अगर दूसरे हैं सब्जेक्ट तो वहाँ पर डू लगेगा, तो आई डू लगेगा, आई डू नॉट टेक टी। ओके, इसी तरीके से है क्या वह गीत गाता है, ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में इसका मेकिंग फॉर्मूला होगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ओके फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम बनाते हैं, तो वह है इसलिए डज लगेगा, डज ही सिंग सॉन्ग। अच्छा, एक बात और कि डज लग गया तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाले सब्जेक्ट में वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैंने लिखा है ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो, गोज नहीं लिखा हमने क्योंकि यहाँ पे डज लग गया, तो मतलब नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाले में वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगता है, उसमें डू डज का ख्याल रखना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, वे लोग कहाँ जाते हैं, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का जो मेकिंग फार्मूला है, क्वेश्चन वर्ड
प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ओके फ्रेंड्स, तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम बनाते हैं वे लोग कहाँ जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा वेयर, वेयर वे लोग हैं इसलिए डू लगेगा, वेयर डू दे गो। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। अब इसमें आगे कुछ और भी है जो एक ही क्लास में बताऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, आप एक एक चीज़ सीखिए। ये एक स्ट्रक्चर हो गए और इसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड भी है और आपको प्रैक्टिस भी करवाना है अभी और फिर होमवर्क भी देना है, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा अच्छी तरह से। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। राजू मेरे घर आता है, राजू कम्स टू माई हाउस। राजू सिंगुलर नंबर है यानी एक वचन है, इसलिए इसके वर्ब में एस लग रहा है। राजू कम्स टू माई हाउस। वह गीत गाता है, ही सिंग्स सॉन्ग। वे लोग बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट। मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं, माय फादर टीचेस मी। माय फादर यानी कि मेरे पिताजी सिंगुलर नंबर हो गए, इसलिए इसके वर्ब में एस लगा है। ओके फ्रेंड्स, मेरा भाई तुम्हें जानता है, माय ब्रदर नोज यू। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो यू। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डजंट गो टू स्कूल। वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डोंट प्ले क्रिकेट। क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी। क्या वह गीत गाता है, डज ही सिंग सॉन्ग। क्या तुम दूध पीते हो, डू यू ड्रिंक मिल्क। तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप। वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू। वह मुझे गाली देता है, ही अब्यूजेस मी। वह तुम्हें क्यों गाली देता है, व्हाई डज ही अब्यूज यू। क्या वे लोग तुम्हें जानते हैं, डू दे नो यू। तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं, वेयर डज योर फादर लिव। बिल्ली दूध पीती है, कैट ड्रिंक्स मिल्क। गाय घास चरती है, काऊ ग्रेजेस ग्रास। क्या तुम्हारी गाय दूध देती है, डज योर काऊ गिव मिल्क। क्या तुम दूध नहीं पीते हो, डोंट यू ड्रिंक मिल्क। क्या वह तुम्हारे घर नहीं आता है, डज ही नॉट कम टू योर हाउस या डजंट ही कम टू योर हाउस। वहाँ कौन रहता है, हु लिव्स देयर। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, फिर भी हम हु के बाद डू या डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हु यहाँ पर खुद एक सब्जेक्ट है, इसलिए हु के बाद डायरेक्ट क्रिया यानी वर्ब लिखेंगे। तो हु लिव्स देयर। तुम्हें कौन पढ़ाता है, अब इसमें भी कौन आ गया, तो हु टीचेस यू। तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते हो, व्हाई डोंट यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम रात को जल्दी क्यों नहीं सो जाते हो, व्हाई डोंट यू स्लीप अर्ली एट नाइट। तुम सुबह क्यों नहीं दौड़ते हो, व्हाई डोंट यू रन इन द मॉर्निंग। क्या तुम रोज एक्सरसाइज करते हो, डू यू डू एक्सरसाइज एवरी डे। क्या वह तुमसे बात करता है, डज ही टॉक टू यू। वह मुझसे बात नहीं करता है, ही डजंट टॉक टू मी। तुम उससे क्यों नफरत करते हो, व्हाई डू यू हेट हिम। क्या तुम मुझे पसंद करते हो, डू यू लाइक मी। तुम किसे पसंद करते हो, हु डू यू लाइक या हुम डू यू लाइक भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी मेरे साथ और आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स,
इसी तरह से आप भी सेंटेंस क्रिएट कीजिए। सेंटेंस क्रिएट करते वक्त ये ध्यान रखना कि क्या ये इसी टॉपिक से संबंधित है जो हम क्रिएट कर रहे हैं, और फिर उसका इंग्लिश बनाइए, और फिर उसका इंग्लिश बनाइए और ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में, प्रैक्टिस कीजिए, और आप देखना इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन इंग्लिश बोलना ज़रूर सीख जाओगे। ओके फ्रेंड्स, और अब रहा आज के लिए प्रैक्टिस के लिए ये सेंटेंसेस, तो ये रहा, आप इन सेंटेंसेस को लिख लो अच्छी तरह से और समझकर सही सही ट्रांसलेट करो इसको। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, और बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना आप, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।